Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Good morning, good morning. Can you all see me and hear me clearly? Audible and visible? When will the class start? I think it started. Just tell me, can you people see me? Finally. So, hello. Hi, Shiva. Hi, Aditi. Aditi, you missed me a lot. Thank you so much. Hi Shiva, hi Prateek, hi Drishti. Okay, hi Manya. Hello Manasvi, how are you? Hi Shivangi, good morning everyone. Aeroplane ja raha hai, 2 minute ruko. You know, mere ghar ke paas airport hai. I have told a lot of people already. Hello Ishika, Manasvi. Okay, Prateek is Manasvi. Theek hai. ज्योति मैम की क्लास एंड हो गई या अभी होनी है? अरे हेलो, अरे आर्यन हेलो, हाय जानकी, हाय शिवांगी, हेलो सागर, राज सागर, ओके, गुड मॉर्निंग, हेलो स्वाति, गुड मॉर्निंग बेटा. सो किड्स, आज हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, इट्स बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 12.1. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस, बट नॉट एग्जैक्टली दैट एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे पता लग गया है तुम लोग बहुत शैतान हो और तुम नेट से देख के फटाफट आंसर्स देते रहते हो. तो मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन दैट एक्सरसाइज. ठीक है, चलो. हेलो मैम, आई एम लकी क्यूट बॉय. अच्छा, यू आर लकी क्यूट बॉय मैम. अदिति के नाम से लकी है ये? यू आर जस्ट अ लकी क्यूट बॉय. हाँ, हाय स्वाति, हेलो सत्यम. मैम, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ जी बोलो शिवा. Ma'am, you live in which state? Okay, I live in a union territory. That's all I can tell you. Anil, yes, yes. Anil ke naam se, main batati hu. Anil was Khushi, I think, right? Anil is Khushi, na? Kill me if I'm wrong. Anil was... Okay, chalo, bhool gayi main thoda sa. Yes, but I remember you. हाँ, प्रतीक्षा, अनिल इज प्रतीक्षा, राइट. हेलो प्रिंस, हाउ आर यू? ये मोबाइल मेरे सिस्टर का है. अच्छा, आप कौन हो अदिति? फिर लकी. हाँ चलो. हेलो दृष्टि, मैम इन प्लस सब्सक्रिप्शन मेंटर कैन सी अस और नॉट? अभी बताती हूँ, अभी पूछ के बताती हूँ, 2 मिनट, जस्ट अ सेकेंड. तो बच्चों, अब तक कोई डाउट है तुम्हें इस चैप्टर में? अभी तक हमने जो किया है, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स, ऑल ऑफ दोस, आई होप यू हैव नो डाउट. आज उस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एंड क्लास के एंड में मेंटी भी करेंगे. ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड. रीकैप, दैट इज यस्टरडे वी डिड ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, ऑपरेशंस एज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो कैसे करते हैं? लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं एंड देन हम उनको ऐड करते हैं. ऑल क्लियर फुजान? वेरी गुड. ओके, नो डाउट प्रतीक्षा, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग. टुडेज टॉपिक इज अनिरुद्ध. अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1. ठीक है, थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी भी कवर करना है हम लोगों को. So everyone who is new to the class, my name is Gurleen Singh. I'm a postgraduate in economics with maths. I have 1+ years of teaching experience through online and offline modes. Also, I'm qualified for assistant professor through the UGC NET exam. हाँ आर्यन, सही गैस किया तुमने. मैम क्लास कब एंड होगा? अभी ना शुरू तो होने दो, एंड भी कर देंगे 12 PM पे, 12 तक एंड होगा. ठीक है, so this is my YouTube schedule, Monday, Tuesday, Wednesday. I meet you at 11 AM and 3 PM, right? So today is Monday. अभी हम 11 बजे मिल रहे हैं, फिर हम मिलेंगे at 3 PM. So don't forget to attend the class today at 3 PM. 3 PM पे हम algebraic expressions का एक important topic करेंगे, that is how to find out the value of algebraic expressions and बहुत सारी practice plus mentee. Okay? Thursday को 11 AM and 4 PM, Friday को 11 AM, 3 PM and Sunday को 3 PM पे. ठीक है, some important updates for you is Unacademy Ask a Doubt feature, free of cost है.
क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, ठीक है, क्रॉप आउट योर डाउट एंड सेंड योर डाउट एंड यू विल गेट अ वीडियो सॉल्यूशन फॉर इट एज सून एज पॉसिबल. दिस इज फॉर 24/7. आप किसी भी टाइम अपना डाउट पूछ सकते हो, रात में, दिन में, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, नो लिमिट ऑन दैट. ठीक है, सो गेट अनलिमिटेड डाउट रिजॉल्व्स एब्सोल्युटली फ्री. ये कहाँ फ्री है? अनअकैडमी के ऐप पर मिलेगा आपको. तो ऐप पे जाओ, जिनका अब तक अकाउंट नहीं है, क्रिएट योर अकाउंट एंड वील गेट अ वीडियो सोल्यूशन फॉर इट वेरी सून. मैम क्या आप होमवर्क दोगे क्या? नरेश बताओ, होमवर्क चाहिए या सारी प्रैक्टिस तुम्हें क्लास में करनी है? तुम लोग ही बताओ. हाँ समझ गया ना आर्यन, देखा मैंने इतने टाइम से तुमसे छुपाया था. यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन. अब आगे से किसी को सब्सक्रिप्शन लेनी हो, मेरा कोड ही यूज करना, दैट इज SPGSS10. दिस इज द कोड दैट यू पीपल हैव टू चूज यूज इफ यू लाइक मी. ओके, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन बेटा, एंजॉय विद मी. हुआ यू? स्वाति ने अभी कुछ टाइप किया था. हेलो मैम, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वेरी हैप्पी टूडे. आई डिडंट वेंट टू स्कूल बिकॉज वी आर गोइंग टू मॉल. हाँ, स्कूल शुरू हो गए तुम्हारे? ओके अनन्या, यस बेटा, आई रिमेम्बर यू. अच्छा, आपके वो चल रहे थे. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर इज 9. ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 होता है शिवा. हाँ, तो आपने पूछा क्या है, एक बार पूरा डाउट पोस्ट करो अपना. मीनवाइल आई विल गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन. आस्क डाउट्स एंड विन IPL मर्चेंडाइज, अनलीश द चैंपियन इन यू. तो आप IPL की मर्चेंडाइज, यू नो, सम गिफ्ट, सम गुडीज यू कैन विन. कैसे? इफ़ यू बिकम द प्लेयर ऑफ द सीरीज, दैट इज द हाइएस्ट डाउट्स इन अप्रैल. जो बच्चा अप्रैल में हाइएस्ट डाउट्स पूछेगा अपने, ठीक है, दिस इज फॉर नाउ इट्स रिलेटिंग टू मैथ्स और साइंस, ठीक है, उसको मिलेगा प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड द मर्चेंडाइज. एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज में क्या होगा? हाइएस्ट डाउट्स इन अ डे, जो एक दिन में, एवरी डे होगा ये, ठीक है. सो जो सबसे ज्यादा डाउट्स एक दिन में पूछेगा वो बन जाएगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज. सो एक्साइटिंग गुडीज वेटिंग फॉर यू. मूविंग फॉरवर्ड, लर्न फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. तो वी हैव अ न्यू, you know, offer for you. Buy 12 months subscription and get 2 months free. Buy 18 months subscription and get 3 months free. Buy 24 months, 2 साल की subscription, तो 4 months की extra आपको free मिलेगी. क्या? Plus की subscription. तो अगर आप plan कर रहे हो buy करने के लिए, जल्दी से buy कर लो, ठीक है. Limited time offer and SPGSS10 मेरा code है. ये code use करने से क्या होगा बेटा? आपको 10% off भी मिल जाएगा, ठीक है. Plus you're also getting 2 months free subscription. सो एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट 1000 लर्नर्स. तो जल्दी से अपना लो, यू कैन बाय इट जल्दी से. कैन आई आस्क मोर देन 1000 क्वेश्चन? शिवा जितने पूछने हैं तुम पूछो. ये अभी जो मुझसे पूछ रहे हैं अनअकैडमी पे, पूछ के देखो. हाँ बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैसे हो सकते हैं? -3 का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट नहीं होता. माइनस नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं. सत्यम, नहीं बेटा नहीं भूली. हाय हितार्थ, हाउ यू? चलो, हाय सुमेधा, हेलो, हाय प्रज्ञा. स्क्वेयर रूट या स्क्वेयर? शिवा अपना क्वेश्चन तो क्लियर करो. यस सृष्टि, आई रिमेम्बर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट्स बेस्ड ऑन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इजी क्वेश्चंस एंड नथिंग वेरी टफ हियर. सो बिफोर वी स्टार्ट, जल्दी से लाइक द वीडियो ऑल्सो. मैम आई लिव इन नॉर्वे राइट नाउ, देर इज नो करोना, नो लॉकडाउन. अनन्या रियली यू लिव इन नॉर्वे? ठंड बहुत होती है वहां पे तो. हेलो अनुश्री, हाव यू? हाय सृष्टि, कैसे हो बेटा? वेलकम बैक टू द क्लास एवरी वन. इंडियन गेमर रुआ, ओके, हेलो, हाव यू? चलो, हाय आर्य, हाय शगुन. मेरा क्लास अनअकैडमी में नहीं होता बेटा, अभी मेरा क्लास यूट्यूब पे ही है, तो तुम यूट्यूब पे आ सकते हो. और आज दूसरा क्लास कब होगा? 3 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, 3 बजे, 3 o'clock. ओके,
अच्छा शिवा मीन्स माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इज नाइन एंड स्क्वायर रूट ऑफ नाइन गिव्स थ्री. बेटा वो प्लस माइनस थ्री ही होता है आंसर. हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, वो प्लस माइनस थ्री ही आता है. ओके अभी तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे इसको. चलो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर ओनली. ठीक है, इट इज अ रूल एंड इसके पीछे बहुत सारी डेरिवेशंस है दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. ओके सो लेट्स स्टार्ट. राइट द स्टेटमेंट्स इन द इक्वेशन फॉर्म. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. तो इसको जल्दी से इसकी इक्वेशन फॉर्म करो. ये स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है. लेट मी सी कौन सबसे पहले आंसर करेगा. Oh, your father lives there. That's why. Then you are very lucky. Ha, it's a very nice country. Ananya, hello, Danya. How are you? Hi, Karthik. Karthik is here. Hello, how are you? Ma'am, start the class. Beta, I've started the class. Start giving the answers. Jaldi se. Okay. Haan, negative nahi hoga, Shiva. Positive hi hota hai. Aur uske piche derivations kya hai? That I can't tell you right now. चलो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है. कुछ भी रूट में अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं ना, सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है, आयोटा से डिनोट करते हैं हम इसको. चलो ओके सो द आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, अरे मेरा इरेजर कहाँ गया. यस सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन. y एंड 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2y. ठीक है, अब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है वो पहले आ जाती है. सो 10 माइनस 2y इज माई आंसर. तो ये क्या है, दिस इज माई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन, कुछ भी बोल सकते हो. तो सबसे पहले इसका राइट आंसर दिया है दान्या ने. वेरी गुड दान्या. आफ्टर दान्या वी हैव किरण. किरण मीन्स अनन्या. वेरी गुड अनन्या. देन दुर्गा. आफ्टर दुर्गा वी हैव आर्य. एंड फिर है सचिन. ओके वेरी गुड. सो दीज आर द टॉप फाइव एंड आई कैन सी कि कितनी फोर गर्ल्स हैं एंड सिर्फ शिवा है बॉयज की टीम में से. सो अगर हमें स्कोर करना होता तो गर्ल्स जीतती इसमें, है ना. सो इट्स 10 माइनस 2 y. वेरी गुड. आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. बेटा आई एम गोना टीच यू टूडे एट 3 PM देव. ठीक है, 3 बजे आ जाना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन किड्स ऑन योर स्क्रीन. वो ब्रो एक सीरियस बात है अभी मेरे और माही के बीच. ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैम मेरी ऑनलाइन क्लास का लंच ब्रेक चल रहा है. अरे 11 बजे लंच ब्रेक हो गया. हाँ आई थॉट 10 सब्ट्रैक्टेड बाय 2 विच इज 8. नो 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 बेटा शिवा, अच्छे से पढ़ना है स्टेटमेंट. ओके सचिन इज अनुराग. रियली सॉरी अनुराग, आपने कल बताया था और मैं भूल गई. आगे से आई राइट अनुराग ओनली. ठीक है सचिन. ओके मैम आई एम सो पुअर इन अलजेब्रा. अर्चना बेटा देन यू शुड प्रैक्टिस और हो जाओगे अच्छे से. बाय हितार्थ. ऑनलाइन क्लास चलो. सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. अरे ये तो हमने कल भी किया था, जल्दी से बताओ. यस वेरी गुड. तो क्या है सम ऑफ नंबर्स, क्या होते हैं सम मीन्स एडिशन. ए प्लस बी ठीक है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पहले आएगा. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी. ठीक है, अब अगर मैं इसको एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ, अगर मेरे को ब्रैकेट ओपन करना हो तो क्या लिखूंगी, ए बी. ये देखो मैंने कल बताया था, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है जो अंदर के साइंस है वो ऑपोजिट हो जाते हैं. ए बी माइनस ए एंड दिस बिकम्स माइनस बी. ठीक है, प्लस बी था तो माइनस बी हो गया, ये प्लस ए था तो माइनस ए हो गया. सो दिस इज योर आंसर. ये भी लिख सकते हो बट अगर प्रॉपर सिंप्लीफाई करके लिखना है सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर दिया है दान्या ने. वेरी गुड दान्या. हाँ ऑलवेज ऑन द टॉप. फिर है ए बी इज इक्वल. नहीं बेटा अनुराग, ये क्या लिखा है आपने, ए बी प्रोडक्ट पहले आएगा. ठीक है, अब फुजान बेटा टेक केयर ऑफ योर ब्रैकेट्स नेक्स्ट टाइम. इफ यू आर राइटिंग ए बी माइनस ए प्लस बी दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग क्योंकि मीनिंग ही चेंज हो रहा है. ठीक है, दिस मीन्स कि जो ए बी में से ए माइनस हो रहा है और फिर बी एड हो रहा है. तो ऑलवेज पुट द ब्रैकेट्स या फिर ब्रैकेट खोल के लिखो. ठीक है,
चलो वेरी गुड शिवा, ए बी माइनस ए बी। कार्तिक ने भी ब्रैकेट नहीं डाला, अब मैं अगली बार से ना तुम लोगों ने ब्रैकेट नहीं डाला तो देन यू सी पीपल, नाम नहीं लिखूंगी मैं, ना अनन्या ने ब्रैकेट डाला है ना सत्यम ने। चलो सत्यम ने तो आंसर भी गलत दिया है, उसने ए भी पीछे लिख दिया। सो क्लियर टू एवरीवन, फ्रॉम का हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट पहले आएगा, प्रोडक्ट में से हमने सम को माइनस किया है। क्लियर टू एवरीवन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ राइट आंसर्स, बिल्कुल ठीक है। यस आई नो अर्चना इज संस्कृति, हेलो संस्कृति हाउ आर यू। मैम मूड खराब है, आंसर नहीं देना चाहती, क्या हो गया स्वाति आज। अनुश्री बिल्कुल सही आंसर है ना। फुजान फॉरगॉट द ब्रैकेट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। धोपडन आंसर में भी नहीं था, सेकंड में कैसे आया। क्रिस्टल क्लियर, हेलो हार्डी हाउ आर यू, हाय शुभांगी, हाय नेहा, गुड मॉर्निंग स्तुति, हेलो दिव्या। जो लोग अभी अभी आए हैं सेशन लाइक कर दो फटाफट से। यू आर नॉट फाइन संस्कृति, व्हाई? बिकॉज आई फॉरगॉट योर नेम। ओके, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेर्ड एंड एडेड, पहले स्क्वेर्ड देन एडेड, तो कैसे लिखेंगे इसको जल्दी से। हेलो शगुन, हेलो सौम्या, हाउ यू, हाय हर्षित। हाँ जी हर्षित, मेंटी है, क्लास के एंड में जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर करो इसका। हाय शौर्य, हाउ यू, आप दोनों की लड़ाई हो गई स्वाति, व्हाट हैपेंड? वेरी गुड वेरी गुड। सो बोथ द नंबर्स आर स्क्वेर्ड, स्क्वेर्ड क्या होता है, एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया एंड देन उनको एड कर दिया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर लिखा होता नंबर्स एक्स एंड वाई एडेड एंड स्क्वेर्ड, अगर पहले एडेड होता फिर स्क्वेर्ड होता तो क्या करते तुम लोग, तब क्या करोगे, देन इट विल बी एक्स प्लस वाई एडेड एंड स्क्वेर्ड, तो ये होता, पहले स्क्वायर है फिर एडेड है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो सबसे पहले इसका राइट आंसर जिन्होंने दिया है वो है, चलो जल्दी से कर लेते हैं टॉप फाइव, दान्या वेरी गुड, ठीक है, दान्या के बाद है सौम्या, वेरी गुड सौम्या, सौम्या के बाद है सत्यम, सत्यम के बाद है शिवा, शिवा के बाद है सृष्टि, सृष्टि दीप, राइट, तो सृष्टि लिख रही हूँ मैं, उसके बाद इशिका का ठीक है, हर्षित का ठीक है, रिशत, रिशत ने उल्टा कर दिया है ना, ओके, देन अनिल वॉज प्रतीक्षा, राइट, बिल्कुल सही है बेटा आपका, दिव्या इज राइट, दान्या इज राइट। चलो जब जब स्क्वायर की बात होती है ना, तुम लोग अगर मुझे मैसेज में एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू ऐसे भी बता दोगे, मैं समझ जाऊंगी कि तुम स्क्वायर की बात कर रहे हो, ठीक है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको अगर स्क्वायर नहीं पुट हो रहा, तुम नॉर्मल टू लिख दो, आई विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैम आई एम आस्किंग डाउट्स डेली, सो कैन आई गेट अ गिफ्ट, देन इशिका एक्चुअली इट डिपेंड्स कि कोई आपसे ज्यादा डाउट्स तो नहीं पूछ रहा, इफ समबडी इज आस्किंग मोर डाउट्स देन यू देन दे विल गेट द गिफ्ट। कल पंजाब हार गई, आई नो सौम्या, आई नो बेटा, सॉ दैट, डिसहार्टेंड। गुरु प्रसाद, बेटा माय कोड इज SPGSS10, एवरीबॉडी जिसको नहीं पता मेरा कोड है SPGSS10, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10% ऑफ मिल जाएगा, सो डू यूज माय कोड, ओके। चलो अनन्या, क्वेश्चन वॉज नॉट क्लियर, नाउ इज इट क्लियर? चलो राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपके सामने एक एक्सप्रेशन है, इसकी टर्म्स बताओ क्या क्या है, डोंट फॉरगेट द साइंस, बी केयरफुल विद द साइंस। देवानंद, यस यस आई रिमेम्बर यू, यू आर लवन्या, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, ओल्ड स्टूडेंट, हाँ कहाँ थे इतनी देर, क्लास में क्यों नहीं आए लवन्या। हाय नीरज, हाउ आर यू, हाय मैम याद आया कि शायद भूल गए, नहीं उत्कर्ष मैं तो बिल्कुल नहीं भूली बेटा, टर्म सेपरेट करके बतानी है, ये नहीं बताना कि कितनी टर्म्स है। आई एम सॉरी इफ यू मिस इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन, राइट द टर्म्स, कौन सी तीन टर्म्स हैं, आई नो थ्री टर्म्स हैं, सेपरेट करके बताओ कौन सी थ्री टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल बिल्कुल ठीक है शिवा, हर्षित थ्री टर्म्स है, आई कैन सी दैट। टर्म्स बतानी है बेटा कौन कौन सी है, क्वेश्चन मार्क सॉरी कॉमा डाल के, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू क्वेश्चन आर सेम, यू हैव टू राइट द टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले राइट आंसर इसका दिया है हमें फुजान ने, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट, है ना फुजान, ओके। सो द टर्म्स आर कि विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसको हम टर्म्स कहते हैं एक एक्सप्रेशन का। तो थ्री टर्म्स है, माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर एंड माइनस थ्री ए स्क्वायर, तो इजी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या याद रखना है, जो साइंस है, जो नेगेटिव साइन है वो टर्म के साथ में ही आएगा,
ठीक है, इट विल बी विद द टर्म. सो फिजान वेरी गुड. आफ्टर दैट दानिया वेरी गुड. दानिया के बाद ट्राइनोमियल, तो बेटा ठीक है टर्म्स पूछी हैं कौन कौन सी हैं. सौम्या वेरी गुड. साइंस का ध्यान रखा है ना सबने, वेरी गुड. इशिका, एंड इशिका के बाद है शिवा. सो टॉप फाइव वेरी गुड, बस साइन का ध्यान रखना है. ठीक है ओके. इसमें बताओ कौन सी थ्री टर्म्स है. इट्स अगेन थ्री टर्म्स मीन्स द ट्राइनोमियल. ठीक है, अब थ्री टर्म्स नहीं, इट मीन्स थ्री अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए. ठीक है, थ्री अनलाइक टर्म्स. आई होप अब तक तुम्हें पता है लाइक और अनलाइक टर्म्स में क्या डिफरेंस है ना, पता है ना. सो थ्री अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, दैट मेक्स अ ट्राइनोमियल. चलो इसमें बताओ जल्दी से व्हाट आर द थ्री टर्म्स. हेलो मैम, हाउ आर यू. आज मैं कोई क्लास नहीं थी इसलिए मैं आ गई आज. अच्छा नाइन्थ में कोई क्लास नहीं थी. हेलो कनी बेटा, हाउ आर यू, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू मिस मी. हाय श्रुति, हाय ज्योति, हेलो अमृता, यस आई रिमेम्बर यू. चलो यू वेंट आउट ऑफ स्टेशन लवण्या, दैट्स ओके, दैट्स ओके. चलो मैं ही बताऊँ क्या इसका आंसर, तुम लोगों को इतना टाइम लग रहा है. अच्छा आ गए आंसर. मैम मेंटी, मेंटी है, रुक जाओ मेंटी है. ओके रिशत, बेटा कॉमा डाल के लिखोगे तो बेटर है. चलो ठीक है, 1.2 AB, सेकेंड टर्म इज -2.4 B एंड द थर्ड टर्म इज 3.6 A. तो ये है तीनों टर्म्स, नेगेटिव साइन को हमेशा साथ रखना है. ठीक है, तो सबसे पहले राइट आंसर इसका दिया मुझे रिशत ने. हेलो रिशत, वेलकम बैक टू द स्लाइड्स. हाँ एक्टिव क्लास पार्टिसिपेशन. शिवा, शिवा के बाद है दान्या. चलो टॉप थ्री लिख रही हूँ यार, इजी क्वेश्चंस है ये. एंड बेटा यश, आपने -2.4 B नहीं लिखा, -2.4 B नहीं लिखा, नेगेटिव साइन. दिव्या यू मिस्ड आउट ऑन द नेगेटिव साइन. फिर है सत्यम और फुजान विद द नेगेटिव साइन, वेरी गुड सत्यम एंड फुजान. चलो क्लियर टू एवरीवन. चलो फटाफट लाइक द वीडियो. मैम आई एम बिफोर दान्या. बेटा नो, आई हैव रिसीव्ड इन दिस ऑर्डर ओनली, प्लीज फॉरगिव मी. ठीक है, यू आर हेयर ओनली हितार्थ, यू वॉन्ट बी एबल टू टाइप. वाई मैम 11:30 मुझे जाना होगा. नहीं दान्या, फिर मेंटी कौन करेगा. सो इस केस में व्हाट आर द टर्म्स, आई एम गोइंग टू टेल यू. 0.1 P² एंड सेकेंड टर्म इज -0.2 Q² ठीक है, बीच में प्लस का साइन है. सो एंड देन इट्स अ माइनस. तुम्हें पता है ना प्लस माइनस क्या होता है, अगर मुझे इसे ब्रैकेट खोलना हो. सो दिस टर्म विल बिकम प्लस माइनस इज -0.2 Q². तो ये है मेरा टर्म एंड द टू टर्म्स आर 0.1 P² एंड -0.2 Q². तो ये मैंने आंसर देना था. सो आई विल राइट माय नेम. ओके दिस क्वेश्चन वाज फॉर मी, वेरी गुड गुलीन, शाबाश. ठीक है सौम्या का भी ठीक है. अनिल बेटा साइन नहीं डाला है ना, चलो कोई बात नहीं. स्टॉप आंसरिंग दिस वन नाउ, आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिविजन सॉल्यूशंस. क्या प्रिंस मुझे आपकी बात नहीं समझ आई. मूवी का, हाँ शिवाय सिंह, मूवी का नाम क्या है, कौन सी मूवी बेटा. ओके एड द फॉलोइंग. सो क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐड करना है आपको. ठीक है, कल मैंने एडिशन सिखाई थी. क्या करना है एडिशन के लिए, सबसे पहले यू हैव टू कंबाइन द लाइक टर्म्स. कंबाइन द लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होते हैं. कंबाइन द लाइक टर्म्स और फिर उनको ऐड कर दो. ऐड क्या करना होता है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को. तो जल्दी से आंसर करो. ठीक है स्टार्ट सॉल्विंग. मीनवाइल इवन आई डोंट नो द राइट आंसर, मैं भी सॉल्व करती हूँ. लेट्स सी हमारा मैच होता है कि नहीं. ठीक है कर रहे हो सॉल्व सब लोग, जल्दी से कर लो. ओके फर्स्ट लाइक टर्म्स मतलब सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को मैं इकट्ठे लिख लेती हूँ. ठीक है विच इज -XY² ठीक है, और कहाँ है XY² ये रहा. सो दिस इज +2XY² और कहीं है XY² नो. देन वी हैव -4YX² अब कहीं और है x के स्क्वायर के साथ, यस दिस वन +20XY² या फिर YX² सेम ही चीज है. ओके देन आई हैव +8XY अब कहीं और X² है, यस -11XY. देन आई हैव +7Y² और कहीं Y² है, नो आई डोंट हैव इट. ठीक है और -6X² भी था, ये X² है एंड -6X² ऑल्सो वी हैड. ठीक है
फिर ये हो गया वाई स्क्वायर एंड कहीं और वाई स्क्वायर नहीं है, चलो ठीक है. एंड देन वी हैव माइनस 100x और कहीं है, यस वी हैव प्लस 3x. और क्या बचा है, माइनस 6x² लिख लिया एंड प्लस वाई वी आर लेफ्ट विद. सो दीज आर ऑल द टर्म्स, मैंने जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको साथ साथ लिख दिया. नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग देम. तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy² क्या बना, दिस बिकम्स 1, दैट इज पॉजिटिव 1xy², ठीक है. ये है माइनस 4 एंड 20, दिस बिकम्स प्लस 16yx², ठीक है. फिर है 8x² माइनस 11x² और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 17 प्लस 8, है ना, माइनस 17 प्लस 8. हाउ इज दैट मच, दैट इज हाउ मच, माइनस 9, माइनस 9x², ठीक है. फिर प्लस 7y² और ये हो जाएगा माइनस 97x प्लस वाई. सो इतना लंबा आंसर है इसका, दिस इज माय आंसर. लेट्स सी सेम आंसर कितने बच्चों का आया है. हाँ जी प्रियंका, मेंटी होगा, क्यों नहीं होगा. ओके ऐड करना बेटा, ऐड करके देखो आंसर कितना आ रहा है. नो बेटा अनुराग, ये बिल्कुल सेम है. कौन सा पूछ रहे हो आप, एक्स वाई का स्क्वायर और yx², हाँ ये दोनों तो अलग है. एक में y का स्क्वायर हो रहा है, एक में x का स्क्वायर हो रहा है, तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग है. ओके 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 चोके स्वाति, चलो जल्दी से बताओ. किसी ने अब तक आंसर नहीं लिखा मेरे अलावा, कहाँ गए सब लोग. शिवा, दान्या, ऋषद, हेलो प्रज्ञा, हाउ आर यू, हाय नेहा, हाँ जी प्रतीक्षा, लाइक टर्म्स. जिन्होंने कल और परसों की क्लास नहीं लगाई उनको कैसे पता होगा लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं. जैसे एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो और कौन सी टर्म है जिसमें एक्स और वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, एक्स एंड वाई स्क्वायर आ रहा है इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में, ठीक है. बाकी में आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर है एंड ये भी एक्स स्क्वायर है, सो ये अलग टर्म्स है. अब उनको इकट्ठे लिख के आई विल ऐड देम, ठीक है. जिनको कन्फ्यूजन है प्लीज कल की क्लास देख लेना, ठीक है. कल क्लास हुई थी हमारी 3 PM पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, डू सी इट. ओके दे प्रज्ञा, ले तो लिया आपका नाम, कितनी बार लूं, प्लीज डोंट स्पैम मैम, इट वाज टू लॉन्ग क्वेश्चन. यस चलो ठीक है, आंसर आ गया सबको, आंसर क्लियर हो गया. किसी ने जो अपनी कॉपी में जिन्होंने सॉल्व किया है क्या उनको आता है, हाँ प्लस 16yx² माइनस 9x² माइनस 27, नहीं बेटा 97 प्लस वाई. थोड़ा थोड़ा संजू हमारा मैच हो रहा है और थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है. चलो मैम आई सॉल्व एंड गिवन द आंसर बट आई डिडंट गेट द आंसर, रियली दान्या, चलो कोई बात नहीं, मे बी दैट्स पॉसिबल. चलो जो तुमने सॉल्व किया है वो ठीक है कि नहीं, इज दिस अपनी नोटबुक में सॉल्व किया होगा, यहाँ टाइप करने में आलस आ रहा होगा, आई नो, बट जस्ट टेल मी डिड यू गेट द सेम आंसर और नॉट. प्लस 7, चलो ठीक है मैम मेरा चेक करो. ईशान आंसर तो दो, तो चेक करूंगी ना, आया ही नहीं हुआ तुम में से किसी का आंसर. चलो एड द फॉलोइंग, इसको भी एड करो, लॉन्ग आंसर है यार. तुम ऐसे लिख दो ना जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसे टू करके लिख दो, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है. आई जस्ट नीड द साइंस. ओके यू गॉट द सेम आंसर दान्या, वेरी गुड. हाँ ईशान, इग्नोरेंस की हद क्या, आंसर तो दो, मैं इग्नोर क्यों करूंगी तुम्हारे आंसर को. कहाँ पे आंसर, पेस्ट करो यहाँ पे, आई कांट सी योर आंसर ईशान. प्रैक्टिस स्टडिंग नाउ. ओके चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, जल्दी से ऐड करना है लाइक टर्म्स को कंबाइन करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10PQ, चलो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 10PQ, और आई हैव टू सी कि PQ और किसका वेरिएबल है, ठीक है. 10PQ हो गया, देन और कहाँ है PQ, ये रहा माइनस 7QP. अब आपको पता है QP इज सेम एज PQ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता,
पावर और वेरिएबल सेम सेम होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज 3 into 4 एंड 4 into 3 विल गिव द सेम आंसर. तो ये कितना हो गया, दिस वॉज 10 PQ, तो मैं इसको -7 PQ लिख सकती हूँ, राइट. और कहीं है PQ? यस, +78 PQ, राइट. चलो ये हो गए 3 लाइक टर्म्स. फिर है 8Q, +8Q. अब मुझे देखने और किस में है, -100Q, और कहीं क्यू है मेरे पास, नो. ठीक है, सो नेक्स्ट इज -P2Q2. अब -P2Q2 और कहाँ है, Q2 एंड P2 इज सेम एज P2 एंड Q2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ +P2Q2. और किधर है, नोवेयर एल्स. चलो फिर है सॉरी -5P2. अब कहीं और P2 है, यस, +107P2, राइट. फिर है मेरे पास एक वेरिएबल है 46, ठीक है, तो इसको मैं बाद में लिखती हूँ. देन आई हैव +13P2Q. P2Q मतलब अब ध्यान से देखो, P के ऊपर स्क्वायर है, और कहाँ पे है P के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर भी है. सो प्लस QP2 इज सेम एज P2Q एंड एंड में +46. सो आई हैव रिटन ऑल द टर्म्स, लेट मी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 12 टर्म्स होनी चाहिए, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, 12 ही गिनी थी ना. चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आया है. मेंटी मेंटी करते हैं, तुम इसका आंसर नहीं दे रहे. हाँ ओके, दुर्गा ने आंसर दिया है सिर्फ. व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स, लेट्स सी. सो 10 -7, अब इन केस में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे है ना 10 PQ -7 PQ, तो PQ को कॉमन ले लो अलग से, एंड तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज को 10 -7, एंड पीछे आएगा PQ विच इज इक्वल टू 3 PQ. सो दिस इज एन ईजियर वे टू सॉल्व इट. सो 10 - 7 इज हाउ मच, 3 PQ. देन आई हैव 78 PQ +8, अच्छा ये भी तो था, +78 भी है. सो 78 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 81, ठीक है, 78 ही था ना ये, यस 78. सो This is your 81 PQ. Then I have 8Q - 100Q. तो आंसर नेगेटिव में आएगा, राइट, क्योंकि बड़े नंबर वाला साइन ही आता है. सो दिस इज 100 - 8 विच इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, -92Q. फिर है -P2 एंड 12P2 विच इज गोइंग टू गिव यू 11P2Q2. ठीक है, फिर है -5 एंड 107. सो मैं क्या करूंगी, 10701 -5 विच इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, +696P2. ठीक है, ये हो गया +14P2Q +46. अगेन अ लॉन्ग आंसर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज इन द साइंस. ठीक है, एंड कितने बच्चों का सेम आंसर आया है बताओ. अच्छा दुर्गा ने आंसर दिया है, अच्छा ये तो एक्स का आंसर दे रहे हो, ये तो पी क्यू में था बेटा आंसर. मैम इज देयर मेंटी, यस बेटा मेंटी होगी, 5-10 मिनट रुक जाओ, हो जाएगी मेंटी. अनिल 1269, थोड़ा सा अलग आया है हमारा. हाँ प्रकृति, प्रतीक्षा सॉरी. चलो ईशान सिंह, आई गेव बट हिज आंसर्स आर नॉट रीचिंग मी, हाउ कैन वी टाइप दिस मच मैम. बेटा कितना टाइम लगेगा तुम्हें, इतनी इतनी चैटिंग कर लेते हो 1 PQ लिखने में, माइनस डालने में, 11 को ऐसे लिख दो P2Q2, कितना टफ है ये टाइप करना. हाँ तुम बहुत लेजी हो, बहुत लेजी हो तुम लोग. चलो आई होप तुम्हें एक क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, एंड आई होप दिस इज द सेम आंसर दैट यू आर गेटिंग. सो दानिया इज दिस द सेम आंसर दैट यू गॉट. सचिन भी कह रहा है, अनुराग भी कह रहा है मैंने आंसर दिया है सबसे पहले, बट ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं कि मुझे किसी का आंसर रिसीव नहीं हुआ, वेरी बैड. चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं मुझे आपका आंसर नहीं रिसीव हुआ बेटा. नोटबुक में सेम आया हार्डी, चलो ठीक है तुम्हारे नोटबुक आंसर सेम आने चाहिए. ओके सो इसमें से टाइप करके बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पेयर ऑफ अनलाइक टर्म्स, इनमें से अनलाइक टर्म कौन सी है ये बताओ जल्दी से. आई जस्ट रीचेक बेटा अनुराग, फिजा, फोजान, तुम सब मुझे मिलके उल्लू बना रहे हो. हाँ कि हमने आंसर दे दिए पर आपको रिसीव नहीं हुए, सेम आंसर. चलो दैट्स वॉट मैटर्स कि सेम आंसर आए. Fifth. चलो मैंने बोला था टाइप करके बताना, पर दैट्स फाइन. सो अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो न्यूमेरिक जो अल्फाबेट्स होते हैं, वेरिएबल्स आर डिफरेंट. ठीक है,
और हम इनको क्या करते हैं, वी कैन नॉट कंबाइन देम, मतलब हम उनको ऐड नहीं कर सकते. ये दो जो है कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वी कैन नॉट ऐड और सबट्रैक्ट देम. सो फर्स्ट वाला आप देख सकते हो इट्स अ लाइक टर्म, क्यों, क्योंकि मैं 112 एंड 150 को आराम से ऐड कर सकती हूँ. देन माइनस 7x एंड 52x, तो माइनस 7 प्लस 52 दिस कैन बी कंबाइन, क्यों, क्योंकि पीछे x कॉमन है. सो ये भी लाइक टर्म है मेरी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो लाइक टर्म, क्यों, बिकॉज यू कैन सी कि ये एक्स जेड है और ये जेड एक्स है. सो एक्स जेड इज सेम एज जेड एक्स, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनकी जगह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्स वाई एंड वाई एक्स, सेम थिंग दैट एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गए. एंड फिफ्थ वन, फिफ्थ इज द अनलाइक टर्म, ठीक है. अनलाइक टर्म सिर्फ फिफ्थ वाली है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो 4m स्क्वायर p है और एक है 4mp स्क्वायर, सो दीज आर नॉट द सेम थिंग्स. यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ 2 है. सिमिलरली यहाँ m की पावर 2 है और यहाँ 1 है. सो इट्स द फिफ्थ वन. सो सबसे पहले राइट आंसर दिया है सुमेधा ने, वेरी गुड सुमेधा. आफ्टर सुमेधा शिवा, शिवा के बाद है स्वाति. स्वाति आपका मूड ठीक हो गया, हाँ ओके. ईशान इसका आंसर दे दो फिर, वो तो रिसीव नहीं हुआ. सत्यम एंड नेहा, सो टॉप फाइव, वेरी गुड. फुजान इज राइट. देन दुर्गा सिंह सेकेंड, नो बेटा वो गलत है. आदित्य बिल्कुल ठीक है, प्रतीक्षा बिल्कुल ठीक है, अभिनव, सृष्टि, मान्या, मान्या सिंह ए, नो नो बेटा नॉट ए, राज, प्रिया, सबका ठीक है. ओके यस संजू, बिल्कुल राइट आंसर है. यू टाइप्ड एंड टोल्ड, दैट्स गुड मान्या, दैट्स गुड. सो हाँ, सो कितने बच्चों ने लाइक कर दिया पहले ये बताओ, मैंने ये तो पूछा ही नहीं. हाँ मेंटी करनी है ना तुम लोगों को, तो जल्दी से लाइक कर दो. जस्ट 49, कम ऑन एटलीस्ट मेक इट अ 50 लाइक्स, जल्दी से 50 लाइक्स करो. सॉरी 49 हुए हैं तो 55 करो. प्लस 6 लाइक्स राइट नाउ, प्लस 6 राइट नाउ. थैंक यू राज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फुजान. प्लस 6, 5 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर अनुश्री, बिल्कुल ठीक है. चलो अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन फॉर यू बिफोर वी मूव ऑन, ठीक है. क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल द अनअकैडमी ऐप, कैसे करना है अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल. आपको मिल जाएगा गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे, एप्पल और एंड्रॉयड पे, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है. फर्स्ट टाइम यूजर हो तो कोड यूज कर लेना, SPGSS10, डू यूज दिस कोड, राइट. प्लस सब्सक्रिप्शन, इसके कुछ बेनिफिट्स, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs. इसका मतलब क्या है, बेस्ट एजुकेटर्स है, ठीक है. एंड 58 है तो बेटा 60 लाइक्स कर दो, कम ऑन जल्दी से. मीन वाइल यू आई गिव यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फिर मेंटी भी करते हैं, ठीक है. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, तो बहुत सारे क्विजेस होंगे, जिस तरह से तुम्हें मेंटी पसंद है ये भी बहुत अच्छा रहेगा. एंड नोट्स भी मिलेंगे PDF की फॉर्म में, यू विल गेट नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. एंड 10% ऑफ होगा इफ यू यूज माई कोड SPGSS10, एंड यू विल बिकम माई फेवरेट स्टूडेंट इफ यू यूज माई कोड. जस्ट किडिंग, ठीक है. चलो 60, अच्छा 60 हो गए, थैंक यू सो मच किड्स. आइकॉनिक में क्या है बेटा, प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं, पर्सनल मेंटर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन. तो जिनको वन ऑन वन पढ़ना है, ग्रुप में नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्पेशल अटेंशन चाहिए, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, है ना, क्योंकि पर्सनल मेंटर मिल रहा है, एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. हेलो दिलीप राज, हाउ आर यू मैम. आई विल लाइक फ्रॉम माई फादर्स फोन ऑल्सो, थैंक यू अनन्या, थैंक यू सो मच. बेटा फुजान आते जाते रहते हैं ना बच्चे, इसलिए. शिवा चलो वो तो बच्चे जितने उसके हिसाब से मैं बोलती हूँ ना. सो प्लस के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और, इट्स फॉर क्लासेस 6 to 12. तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो 10th 12th में हैं, या जिनको पढ़ाई में हेल्प चाहिए, वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि पर मंथ कॉस्ट इज द लोएस्ट इफ यू कंपेयर टू अदर चैनल्स ऑल्सो, ठीक है. वी हैव डिफरेंट पैकेजेस, 3 months, 6 months, 12 months, तो आप देख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. ऊपर से आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही, ठीक है. एंड स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू अबाउट द ऑफर्स कि 12 months का ले रहे हो तो 2 months फ्री भी मिलेगा. तो ये मेरा कोड है, इसको यूज करना मत भूलना, ठीक है. सिमिलरली फॉर आइकॉनिक क्लासेस 6 to 12th के लिए है, राइट. यूज द कोड SPGSS10, ये कोड जरूर पुट कर लेना, राइट. सो अगेन डिफरेंट पैकेजेस एंड 10% ऑफ, ऑफकोर्स यू विल गेट इट. सो लेट्स मूव ऑन, लास्ट थिंग, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री
फ्री एंड फ्री, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मिलेंगी, जल्दी से डाउनलोड कर लो। और SPGSS10 मेरा कोड है, ये कोड यूज कर लो। हाउ टू गो फॉर मेंटी, आई विल जस्ट टेल यू बेटा, RAHKP इज सुमेधा, ठीक है। चलो लेट्स गो मैम, कहाँ जाना है, मेंटी करने? चलो दोनों का आंसर इकट्ठे, जल्दी से ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड कोफिशिएंट बताने हैं, फिर मेंटी करते हैं, ठीक है। मैम माई ब्रदर हैज द सब्सक्रिप्शन, ओके, इफ ही वॉन्ट्स टू बाई इट अगेन ही कैन यूज द कोड। दोनों का आंसर इकट्ठे, मूड खराब है पर आंसर दे दिया, दैट्स गुड स्वाति, पढ़ाई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है, जिस मतलब एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स को छोड़ के दूसरा नंबर या दूसरा वेरिएबल जिससे एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में एक्स का कोफिशियंट क्या है, जेड, सो आई विल से जेड इज द कोफिशियंट। अब नेक्स्ट वाले केस में क्या है, दो जगह एक्स है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, इन द बुक आई थिंक इट्स रिटन कि एक तो वन है और एक वाई है, ठीक है, बट अब आप देख सकते हो आई कैन राइट इट एज एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे एक्स की जगह क्या बचा, वन, और यहाँ पे एक्स को हटा के क्या बचा, वाई, वन प्लस वाई, तो मीन्स एक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई बोथ दीज वैल्यूज, और कोफिशियंट वही होता है एक्स का जिसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है, सो आई कैन ऑल्सो राइट और द कोफिशियंट इज वन प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली राइट, ओके। चलो बेटा, क्या नाम है इशिका, प्लस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, आप चैट कर सकते हो, प्लस में द मेंटर कैन नॉट सी यू बट यू कैन सी द मेंटर, ठीक है। शिवा, वेरी गुड शिवा, शिवा ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, वो भी दोनों का, प्राउड ऑफ यू। आशुतोष बोल रहा है सिर्फ जेड, बेटा मैंने बोला था ना दोनों का बता दो आंसर, शिवा ने ही बताया हुआ है, फिर सत्यम ने बताया है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, पिछले अप्रैल से पहले भी क्लासेस लगा रहे थे इसलिए इनको अच्छे से याद हो गया है, सत्यम एंड शिवा, वेरी गुड। फिर उसके बाद किसने सेम आंसर दिया है, दुर्गा ने, वेरी गुड दुर्गा, गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग। फिर है अभिनव, वेरी गुड अभिनव, एंड अभिनव के बाद है सुमेधा, सुमेधा उल्टा क्यों लिख दिया बेटा, जेड प्लस वन प्लस एक्स लिख दिया आपने, वन प्लस वाई लिखना था, चलो कोई बात नहीं। फिर है इशिका, सो दीज आर द टॉप फाइव, टेक माई नेम, हेलो पलक, हाउ आर यू, सो समझ आया सबको कैसे आएगा आंसर। चलो अब नेक्स्ट है, हेलो शिवांश, येस आई रिमेम्बर यू, दो क्वेश्चन है आई थिंक एंड दोनों का आंसर इकट्ठे से देना, ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम मेंटी भी करेंगे। चलो गिव द कोफिशियंट ऑफ एक्स, दोनों में बताओ एक्स का कोफिशियंट क्या है, इकट्ठे लिख दो दोनों के आंसर्स, ईजी है। हाँ हाँ बेटा, रिमेंबर यू शिवांश, हेलो अनुश्री, हाव यू, हाय पलक, इंटरनेट गया था अब आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन ईशान, हाँ गुड मॉर्निंग अभी, गुड मॉर्निंग, मेरा मैसेज नहीं आया क्या ऋषभ, नहीं टॉप में तो नहीं दिखा मुझे आपका मैसेज। चलो जल्दी से आंसर्स बताओ, कोफिशियंट, न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं, कोफिशियंट, नॉर्मल कोफिशियंट बताना है, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल पूछे तो सिर्फ नंबर वाला पार्ट बताना होता है, ओके। कितनी बार लूं पलक आपका नाम, दिलीप राज के नाम से पलक है बस, हेलो पलक। सो एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दिस एक्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 12 इनटू एक्स इनटू वाई स्क्वायर, तो एक्स को हटा के क्या बचता है, 12y2, सो 12y2 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ में क्या है, सेम थिंग, एक्स को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 7+y2, सो द कोफिशियंट इज 7+y2 इन द सेकेंड क्वेश्चन, राइट। सो सबसे पहले इसका राइट आंसर हमको दिया है शिवा ने, वेरी गुड शिवा, आफ्टर शिवा सेम आंसर्स आर गिवन बाय सुमेधा, वेरी गुड, आफ्टर सुमेधा वी हैव सत्यम, वेरी गुड सत्यम, हेलो मनी, 1+y2, बेटा 7 था ना, आपने 1 लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, चलो मनी, मनी या मन्नू था ना ये शायद। फिर है फोजान, वेरी गुड फोजान, एंड उसके बाद है मैम मेरे को जानते हो, हाँ शिखर आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं, शिवा का बिल्कुल ठीक है, 12y2 से ठीक है, रिशत, वेरी गुड रिशत, रिशत ऐसे लंबा टाइप करने में तुम्हें टाइम नहीं लगता, हाँ चलो जल्दी से फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन,
मैम कैन यू टेल मल्टीपल अलजेब्रा? मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लीकेशन। हाँ मैम डाटा हैंडलिंग। बेटा सिरोही गांधी है ना बेटा, वो आपको मनन सर करवा रहे हैं, आप उनकी क्लासेस देख सकते हो, डाटा हैंडलिंग ही इज डूइंग। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, जल्दी से। यस वेरी गुड। सो प्रोडक्ट क्या है? वाई एंड जेड का प्रोडक्ट क्या होता है? वाई जेड। इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो पहले आता है। सो 10 माइनस कितना? वाई जेड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, सो दिस इज योर आंसर। सो लेट्स सी जल्दी से किसने इसका राइट आंसर दिया है, फिर मेंटी स्टार्ट करते हैं। 10 माइनस वाई जेड, वाई जेड बेटा रिशत आपने एक्स वाई लिख दिया, अब मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, तो मुझे फुजान का नाम पहले लिखना है, फिर आफ्टर फुजान है मनी, बेटा 10 पहले आएगा, ठीक है, फिर है सुमेधा, वेरी गुड, सुमेधा के बाद है अनन्या, ठीक है, अनन्या यदुवंशी, राइट, फिर भीभा, बेटा 10 पहले आएगा, फ्रॉम के बाद जो नंबर होते हैं मतलब 10, फ्रॉम 10 वी सब्ट्रैक्टेड वाई एंड जेड, तो 10 पहले आना था, ठीक है। अनन्या के बाद कौन है? 10 माइनस वाई जेड, शिवा, शिवा के बाद है यश, चलो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद इशिका का ठीक है, प्रतीक्षा का ठीक है, एवरीबॉडी इज राइट, सो गुड एवरीवन, एंड जल्दी से एवरीबॉडी लाइक द वीडियो, देन आई विल स्टार्ट विद द मेंटी, ठीक है, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, 100 लाइक्स पहुंचा दो तुम लोग अभी के अभी, 65, ओके कम ऑन मेक इट प्लस 5 अभी, पहले 70 लाइक्स करो तब तक मैं मेंटी खोलती हूँ तुम्हारे लिए, जल्दी से लाइक कर दो। मेरा नाम नहीं लिखा क्यों सत्यम? लिखा तो है आपका, रुको देखने दो किस ऑर्डर में आया था, मैं क्यों सत्यम आपका नाम मिस आउट करूंगी जानबूझ के, कम ऑन डोंट यू ट्रस्ट मी, पर बेटा दिस इज द ऑर्डर इन विच आई रिसीव द आंसर्स, ठीक है, तो इतना बुरा नहीं मानते, नाम तो आपका लिख दूंगी मैं सर्टिफिकेट पे, ओके 80 मेक इट 80 लाइक्स राइट नाउ, 80 लाइक्स, एंड मीनवाइल आई विल टेल यू द मेंटी कोड, राइट। तो एक और चीज, आज क्लास होगी 3 PM पे भी, तो डोंट फॉरगेट टू मीट मी एट 3 PM, चलो जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज मेंटी, मेंटी कहाँ गया, ये रहा, 8 क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड द कोड इज 6532 3579, जल्दी से 6532 3579। 71 सत्यम, I want 80 लाइक्स करो, 80 लाइक्स करो तब फिर मैं मेंटी स्टार्ट करूंगी, जल्दी से करो, थैंक यू बेटा, थैंक यू अनुराग, दृष्टि मेंटी कर रहे हो, शिवा कर रहे हो, क्या रखे सुनने और सुनाने में, किसने कसर, किसी ने कसर नहीं छोड़ी दिल दुखाने में, शिवा का दिल इतना दुखा हुआ है, ओ माय गॉड। मैम इज इट नॉट फॉर द लोअर क्लासेस 1 to 5? नो अनन्या, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6th, ओके 6th to 12th, ओके यस, कोड यहाँ पे लिख दिया है सोनी ने, दुर्गा ने, थैंक यू सो मच, द कोड इज 6532 3579, ऑल द बेस्ट सबको, दैट्स सो स्वीट स्वाति, यू द रोबोट, सौम्या इज द रोबोट, तो रोबोट की तरह जल्दी जल्दी से आंसर देना फिर, ठीक है सौम्या, हाय संचिता, क्रैब, इशिका इज द क्रैब, हाय चरण, अच्छा मनीष चरण, पुराना वाला चरण ना, और सम न्यू चरण, मैं भूल जाती हूँ, हार्ट, प्रतीक्षा इज द हार्ट, ये वाला हार्ट स्ट्रॉन्ग, इस बार तो मैं पक्का हारूंगा, क्यों रिजित, फुजान इज द हनी बी, ओके देयर इन द सेंटर, चलो यस नील, थैंक यू फॉर टेलिंग द कोड, अच्छा ये है नील रावल जो टॉप पे आता है, हाँ और कभी क्लास में आंसर नहीं देता बट मेंटी पे आ जाता है ये टॉप पे, हाय बेटा सचिन, हेलो दिव्यांशी, हनी बी, आई सॉ इट फुजान, यू द हनी बी, शिवांश इज द कैट, सुमेधा बेटा द पीपल आर ज्वाइनिंग, गेट देम ज्वाइन, आई विल स्टार्ट इन अ मिनट, सो द मेंटी कोड इज, एक बार मैं टाइप कर दूं सबको, इट्स 6532 3579,
बेटा हमारे ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स के लिंक्स मिलेंगे, तो वो ज्वाइन कर लेना ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट्स एंड ऑल हर टीचर की क्लास का मिलता रहे ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके सना, हेलो सना बेटा, हाउ आर यू? शिवम इज द फायर, यू आर अ ग्रेट टीचर, थैंक यू कैलाश, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट। अच्छा जिनको नहीं पता क्या करना है, जल्दी से गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके मेंटी टाइप करो ठीक है, एंड देन क्लिक एंटर, तो जो पहला लिंक आएगा दैट विल बी ज्वाइन प्रेजेंटेशन ठीक है। ज्वाइन प्रेजेंटेशन करके पुट द कोड 6532 3579 ठीक है, कोड पुट कर देना 6532 3579। 6 लाइक्स, थैंक यू वेदा, थैंक यू सो मच मैम, हम इतने स्वीट है, भले हम कभी खाना मत प्लीज, हमें कभी खाना मत ठीक है बेटा, ऑल्दो आई लव स्वीट्स आई विल नॉट ईट यू अप। चलो जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर मिनट देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फॉर द लास्ट टाइम योर कोड इज 6532 3579। मैम मेरा नाम 3 बार बोलो, क्यों क्यों क्या नाम था, शिखर 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 एंड शिखर, बस प्लीज टेल बिफोर स्टार्टिंग। यस यस आई एम जस्ट स्टार्टिंग इन अ मिनट। तो कितने लाइक्स हो गए हैं तुम लोगों के, लेट मी सी तुम लोगों के नहीं मेरे कितने लाइक्स करे हैं तुम लोगों ने, 84 90 कर दो यार, 6 मोर लाइक्स, कम ऑन एवरी वन, आई वर्क हार्ड टू टीच यू, कम ऑन। हाई सुभाष, हाव यू, कम ऑन एवरी वन लाइक द वीडियो जल्दी से। सो किड्स नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इनफ पीपल हैव जॉइंड, सो ऑन द काउंट डाउन ऑफ 5 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। 5 4 3 2 and 1 let's begin। बोल तो दिया मनीष, मनीष है शिखर की, ये मनीष ही है, अच्छा वो डॉक्टर मनीष था। सो मनीष कुमार, हेलो मनीष कुमार, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन, जल्दी से बताओ इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, नंबर ही बताना है ठीक है। हाँ जी सुभाष, हाव यू, हाय सृष्टि, हा हाँ आपका नाम मनीष है, सॉरी मनीष मुझे लगा आपका नाम शिखर है ठीक है। ओके सो वेरी गुड, देयर आर ओनली 3 टर्म्स और टर्म्स क्या होती है, विच आर सेपरेटेड बाय द एडिशन एंड सबट्रैक्शन साइन। तो 14y³ एक टर्म है, फिर -3y² एक टर्म है, एंड +4 इज योर थर्ड टर्म, सो देयर आर टोटल 3 टर्म्स। और अभी भी इतने बच्चों का क्यों गलत है आई डोंट नो। मैम न्यू कोर्स कब स्टार्ट होगा, अभी तो न्यू कोर्स ही चल रहा है आपका। हाँ ओके लेट्स सी द लीडर बोर्ड, सेम बच्चे होते हैं रोज रोज लीडर बोर्ड पे। हाँ नील फास्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, फोजान वेरी गुड, आशुतोष वेरी गुड, मिस्टर उदय ओके, देन आर्य, देन सौम्या, हर्षित, हितार्थ, सत्यम एंड लोलाक्षी ओके, सो टॉप 10 वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप यू मेंटेन योर पोजीशंस। जल्दी से लाइक करो, जल्दी से एवरीबॉडी लाइक द वीडियो, प्लीज गिव सम मोर टाइम। ओके वेदा वर्षिनी, बट ये क्वेश्चन ईजी था इसलिए कम टाइम था, इन अदर क्वेश्चन यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन वेरी सून। ओके द क्वेश्चन इज वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ जी इन 5h माइनस जी प्लस जी वाई। चलो जल्दी से देखो कोफिशियंट क्या होगा जी का, अभी ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए क्लास में जस्ट अभी। 23rd प्लेस पूजा, ओके ओके सी 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 मैम, मनीष चरण क्या हुआ चरण, अच्छा आंसर बता रहा है ये, ठीक बताया बिल्कुल ठीक बताया चरण, वेरी गुड इंटेलिजेंट पीपल, 23 बच्चों का ठीक है विच इज वेरी गुड। क्या हुआ बेटा, जी को हमने ले लिया कॉमन, जी यहाँ पे है माइनस जी प्लस जी वाई, तो अगर मैं जी को बाहर कॉमन ले लेती हूँ अंदर क्या बचेगा, -1 + y रिमेन्स इन द ब्रैकेट और इन दोनों से ही जी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट को खोलूंगी जी इंटू माइनस वन करूंगी तो दोबारा से जी आ जाएगा एंड देन जी इंटू वाई करूंगी तो जी वाई बन जाएगा। सो सी वॉज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी द लीडर बोर्ड, कुछ हलचल हुई है या फिर सबका ठीक है।
ओके अच्छा लीडर बोर्ड वाले सब बच्चों का, ठीक है, तो आई डोंट थिंक पोजीशन ज्यादा चेंज होंगी, थोड़ी सी हुई है, ठीक है। नील फास्टेस्ट है, फिर आशुतोष, फिर सत्यम, लोलाक्षी, हेलो मुझे मत पहचानना, अच्छा ठीक है नहीं पहचानते, फिर इशिका, देन कार्तिक, हेलो कार्तिक, देन ऋषभ, श्रेया एंड अनिल। हितार्थ कहाँ गया? हितार्थ आउट ऑफ द लीडर बोर्ड, फोजान भी आउट ऑफ द लीडर बोर्ड हो गया। चलो टॉप थ्री वेरी 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 गुड एंड टॉप टेन ऑल्सो वेरी गुड। हेलो लवण्या यू द केक, ओके ओके ठीक है। सो एवरी वन हु इज वॉचिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से लाइक द वीडियो, आई मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 92 ओके, 100 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिफोर आई एंड द क्लास मेक इट 100 लाइक्स किड्स, कम ऑन, आई नो यू लाइक मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ऑन योर स्क्रीन्स, थर्ड क्वेश्चन। चलो मैम बाबा मुझे चरण क्यों बुला रही हो? अरे मनीष तुम्हें नहीं बुला रही, चरण के नाम से मनी है, ठीक है, मतलब मनी चरण के नाम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल, बायनोमियल यू शुड नो बायनोमियल क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगी, इनमें से कौन सा बायनोमियल है जल्दी से कॉपी पे लिख के देख लो, ठीक है, या फिर ऐसी बाय ऑब्जर्वेशन देख लो। मेंटी कोड दिव्या, इट इज 6565323579, ठीक है कोड, ओके आई जस्ट राइट द कोड वंस अगेन, यहाँ पे इट इज 6532 3579। चलो ये मनी जो है वो चरण है, उसे चरण बुला रही हूँ, ठीक है, वेरी गुड। सो सी इज द राइट आंसर, कैसे बेटा देखो तुम लोगों ने क्या किया है, अच्छा तुमने बी कर दिया, इतने सारे बच्चों ने बी क्यों किया, वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिक्स, तो ये तो थ्री टर्म्स हुई ना बेटा। और जो फिफ्थ जो है मेरा थर्ड वाला पार्ट, देखो बायनोमियल में क्या होता है, टू अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, तो देखो जेड स्क्वायर और जो मेरी थर्ड टर्म है 12z², तो ये है जेड स्क्वायर एंड अच्छा एक नेगेटिव साइन भी है जेड स्क्वायर एंड -12z², इनको जब मैं सॉल्व करूंगी मेरा आंसर हो जाएगा -11z² प्लस ZT, तो ये दो टर्म्स बनी, ठीक है, एंड दिस इज अ बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल इज टू अनलाइक टर्म्स। चलो समझ आ गया सबको? मैम मेरी ऑनलाइन क्लास अभी ओवर हुई, ओके कार्तिक बट क्लास तो आप पहले से लगा रहे हो, आई कैन सी। सत्यम का गलत है ये वाला क्वेश्चन, पता लग गया मुझे, अब ये नीचे आ जाएगा, देखा। सो नील फास्टेस्ट वेरी वेरी गुड, देन आशुतोष, कार्तिक, श्रेया, हेलो मुझे मत पहचानना, इज दिस स्वाति, स्वाति तो नहीं है ये, देन सौम्या, ऋषित, पलक एंड दिव्या, अच्छा दोनों, देन सत्यम एंड मान्या आ गई लीडर बोर्ड पे, वेरी गुड। हाँ जी चिराग कौन सी क्लास में हो आप? मैम बायनोमियल क्या है बेटा, बायनोमियल क्या है ये समझने के लिए आपको कल की क्लास लगानी पड़ेगी, कल 3 बजे जो क्लास थी उसको लगा लो। एनीवे बायनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स, जिसकी टू टर्म्स होती हैं, ठीक है, थीके? और अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है कल की क्लास लगा लो, ठीक है, ओके। मैम आई एम न्यू, हाउ कैन वी ज्वाइन? बेटा सुभाष गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके मेंटी टाइप करो, ठीक है, प्रेस एंटर एंड उसके बाद क्लिक ऑन ज्वाइन प्रेजेंटेशन और कोड पुट करो 6532 3579। चलो एवरीबॉडी जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक द वीडियो। चलो यार फीलिंग हॉट है, एसी का रिमोट दूर पड़ा है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ के इन द एक्सप्रेशन 13 + ky + xk? ईजी क्वेश्चन, अब तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, नो बडी शुड डू इट गलत। 12th में हो आप, ओके चिराग 12th के बोर्ड्स तो नहीं कैंसिल हुए, पढ़ लो थोड़ा। हाँ हाय उमंग, उमंग यू आर इन विच क्लास? नॉट सुभाष, अच्छा सुभाष योर नेम इज व्हाट? अनुष्का, अच्छा 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 ठीक है अनुष्का, मैंने लिखा भी था सुभाष वॉज अनुष्का, सो वेरी गुड किड्स, सेकेंड इज द राइट आंसर, ना कि डी जो है 13 + y + x, नो नो नो, कोफिशियंट होते के जिन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है y और x के साथ मल्टीप्लाई और बीच में एडिशन का साइन है, तो k को कॉमन लिया, बचा क्या y प्लस एक्स, सो ऑप्शन इज b, दैट इज 1y मीन्स y ओनली एंड प्लस x,
सो जिन्होंने 13 बच्चे जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड, योर कॉन्सेप्ट्स आर एक्चुअली वेरी क्लियर. ठीक है. इट्स योर फादर्स नेम टू सुभाष, यू आर अनुष्का, ओके नाउ आई विल रिमेम्बर. ठीक है चलो. यस 13 इज अ कॉन्स्टेंट तो वो नहीं आएगा. अरे नील हैज लॉस्ट हिज पोजिशन, आई एम अमेज्ड. कैसे? कार्तिक ऑन द टॉप, वेरी गुड. देन कार्तिक सेकेंड नंबर पे, मुझे मत पहचानना. फिर सौम्या, देन नील, लोलाक्षी वॉज द फास्टेस्ट इन दिस क्वेश्चन. फिर आशुतोष, सत्यम, मान्या, श्रेया एंड हार्डी भानुशाली. सो टॉप 10 वेरी गुड. आई होप मुझे ज़्यादा हलचल ना मिले. ठीक है एंड तुम लोग जीतो. ठीक है. हेलो संदीप, हाउ आर यू? लेट आंसर दे के भी कार्तिक टॉप पे. हाँ मिसक्लिक, इस बार तुम बच जाओगे बच्चों. अच्छा आर्य जी का मिसक्लिक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. What is the coefficient of x in 2x plus xy square? Okay, easy question. जल्दी से. Third question of the same type आया है. अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. Okay, 30 people have already answered it. What about others? 31. Come on, still have 15 seconds to go. Sunaina is Pragya. Okay, Pragya, how are you? Sat Shri Akal. Same to you, Navjot. How are you? ज्वाइन नहीं कर पाए का नहीं, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जीत जाते. सेवेंथ क्लास का क्विज है. सो सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, एक्स को छोड़ के क्या बचा? एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या हुआ? 2 प्लस वाई स्क्वायर विच इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स. ठीक है. हेलो अनिग्रस, इतना लेट आयो क्लास में, क्लास क्यों नहीं अटेंड की? तो एवरीबडी हू इज ज्वाइनिंग नाउ, जल्दी से लाइक द वीडियो. आई नीड 100 लाइक्स टुडे. कम ऑन एवरीवन, लाइक द वीडियो. नील, आर यू नॉट प्लेइंग एनी मोर? हाँ चलो, कार्तिक टॉप पर है, वेरी गुड. फिर हेलो, मुझे मत पहचाना, आई थिंक दिस इज स्वाति, आई हैव अ फीलिंग. फिर है सौम्या, फिर आशुतोष, सत्यम, मान्या, श्रेया, रिशत, नील एंड पलक एंड दिव्या. सो टॉप 10 वेरी गुड एंड इस क्वेश्चन में फास्टेस्ट थी पलक एंड दिव्या. प्लीज टेल मी हाउ कैन वी ज्वाइन मेंटी. बेटा मेंटी इज अ क्विज प्लेटफॉर्म. गूगल पे जाके टाइप www.menti.com और स्क्रीन के टॉप पे तुम्हें कोड दिख रहा होगा, वो कोड पुट करना है विच इज 6532-3579. ठीक है. सो कम ऑन एवरीवन, लाइक द वीडियो राइट नाउ, देन आई मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. 99 लाइक्स, कम ऑन, वन मोर, कम ऑन किड्स, कम ऑन. एंड आफ्टर दैट आई विल नॉट टेल यू इवन वंस. एक और लाइक चाहिए मुझे अभी. चलो सिक्स्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गेट रेडी एवरीवन. ओके, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी? ओके ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, मैंने पहले दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन पर तुम्हें करवाया नहीं. ओके बेटा देखो, x की पूछा है इन्होंने, x का कोफिशिएंट पूछा है, लेकिन आप देख सकते हो कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरे पास है क्या? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस d. दीज आर द थ्री टर्म्स आई हैव. आई हैव x टू द पावर ऑफ 3 एंड x टू द पावर ऑफ 2, बट मेरे पास ओनली x नहीं है. आई नीड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1 या फिर x. तो जो टर्म, जो मुझे कोफिशिएंट जिसका पूछा है, अगर वो टर्म में लाई नहीं करता ना, तो ऑलवेज रिमेंबर उसका कोफिशिएंट 0 होगा. ठीक है, विच इज 0 इंटू एक्स एंड 0, दैट्स वाई इट्स नॉट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एक्स अगर गिवन ही नहीं है, मतलब उसका कोफिशियंट 0 है. अगर अब मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ वाई इन दिस टर्म, यू विल अगेन से दैट इट इज 0, क्योंकि वाई उसमें है ही नहीं. वाई इज मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज 0, दैट्स वाई इट्स नॉट देयर. क्लियर टू एवरीवन? मैम व्हेन इज योर नेक्स्ट लाइव क्लास? बेटा माय नेक्स्ट लाइव क्लास इज टुडे. Today is my next live class at 3 p.m. So don't forget to come at 3 p.m. ठीक है? चलो. Very good. कार्तिक है टॉप पे, then सौम्या, then hello मुझे मत पहचानना. फिर है आशुतोष, who is the fastest in this question. Then सत्यम, श्रेया, मान्या, शिवा, फजान and हितार्थ. हितार्थ, welcome back to the leaderboard. Very good. चलो.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन्स योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन. आपको जाना पड़ेगा दृष्टि, क्लास है कोई बात नहीं बेटा दृष्टि, 3 PM पे आ जाना, आई विल वेट फॉर यू. चलो ये थर्ड पर कौन है, हाँ ये थर्ड पर कौन है मुझे भी जानना है. हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म्स, तो इनमें से कौन सी जो टर्म्स है वो लाइक टर्म है आपको ये बताना है जल्दी से. थैंक यू हार्डी फॉर टेलिंग मी, थैंक यू बेटा. बताओ जल्दी से पेयर ऑफ लाइक टर्म्स, एंड अब तक तुम्हें पता होना चाहिए लाइक टर्म्स क्या होती हैं. मैं हूँ थर्ड पे, देखा मैंने पहले ही बता दिया था. इट्स स्वाति, मुझे फीलिंग आ गई थी. गुड स्वाति, वेरी गुड, वेरी गुड किड्स. द राइट आंसर इज -56 XY एंड 34 YX, एंड वी नो दैट XY एंड YX इज द सेम थिंग क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम ही रहता है. ठीक है, सो बाकी जो तीनों है दीज आर अनलाइक टर्म्स, एंड लाइक टर्म्स क्या होती है जिनकी वेरिएबल सेम होते हैं, दोनों क्या है XY और YX. मूविंग फॉरवर्ड, इशिका 15th पोजिशन, तो बेटा अब टॉप 10 में आ जाओ, थोड़ा मुश्किल है बट यू कैन ट्राई. ओके सिद्धार्थ लीडर बोर्ड से बाहर हो गया फिर से. चलो कार्तिक टॉप पे है, वेरी गुड कार्तिक, देन सौम्या, देन स्वाति, देन आशुतोष, सत्यम, श्रेया, मान्या, शिवा, फौजान एंड ऋषभ. सो टॉप 10 वेरी 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 गुड. नॉट प्लेइंग मेंटी, वाई आर इन इशिका 11th पोजिशन. चलो मे बी इन द नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन यू कैन कम इन टॉप 10. आंग बंद करके हेलो माई सेल्फ, फिर से गलत, क्या हुआ कनी. शतक कॉन्गो, शुक्रिया आर्यन जी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स इज अ पेयर ऑफ अनलाइक टर्म्स, अब तुमने बताना है कि इनमें से अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं. ठीक है, अच्छा मुझे तो दिख गया, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से सबका सही होना चाहिए. सोच रहा हूँ और लोगों को मौका दे दूँ. हाँ आर्यन, सब आपके मौके का इंतजार कर रहे थे. संदीप बेटा आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करके आंसर्स कैसे ढूंढने हैं, एंड एक दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी, बाकी मैं देखूंगी तुम जल्दी आंसर देते हो कि नहीं. ठीक है, तो द राइट आंसर इज XY,100X, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. हेलो सर, हाउ आर यू. सर कॉन्ग्रेचुलेशंस. हाँ गॉट अन अकेडमी एड बिफोर द क्लास, दैट्स गुड ना. सो लेट्स सी व्हाट हु आर द फाइनल विनर्स टुडे. ए अरे यार नेट क्यों नहीं चल रहा. सो ओके सौम्या विंस, वेरी गुड सौम्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस. फिर है कार्तिक एंड उसके बाद है स्वाति, राइट. स्वाति के बाद है आशुतोष, आशुतोष के बाद है सत्यम, देन मान्या, श्रेया, शिवा, फजान एंड ऋषभ. सो टॉप 10 कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग ऑन द लीडर बोर्ड. थैंक यू बेटा, थैंक यू संदीप. सर आए और गए. अच्छा अभी मेरे क्लास के बाद मनन सर के जो सेशन है वो प्रीमियर होने वाला है. एवरीबॉडी यू कैन सी दैट प्रीमियर वीडियो, राइट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. अब आई विल गिव यू योर मेडल्स एंड देन वी विल एंड द सेशन. ओके जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पर है ये रहा. सो द टॉप 3 पोजिशंस जिनको मिलता है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली आर अनन्या, यूर ऑन 14th पोजिशन, नॉट बैड बेटा, नॉट बैड. सो सौम्या बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द गोल्ड मेडल. ठीक है, सिल्वर मेडल जाता है कार्तिक को, वेरी गुड कार्तिक. नितिन कार्तिक है इसका नाम, ये स्पेशल क्लास में आता था, हाँ ओल्ड स्टूडेंट. फिर है स्वाति, वेरी गुड स्वाति. सो टॉप 3 वेरी 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 गुड, एंड द अदर पोजीशंस आर आशुतोष गेट्स द 4th पोजीशन, वेरी गुड आशुतोष. नेवर आंसर्स इन क्लास बट कम्स इन मेंटी, तो मैं थोड़ी नाराज तो हूँ इससे बट नेवर माइंड, वेल परफॉर्म. देन सत्यम, आफ्टर सत्यम मान्या, सत्यम सही है, सत्यम क्लास में भी हमेशा आंसर देते हैं, मेंटी में भी, मान्या भी, वेरी गुड. देन श्रेया, शिवा,
Shiva Fozan also, good class participation also, and Minty also. And then we have Rishat. Very good. Rishat also same. So these are the top 10 Menti winners for today. Okay? Okay. Ma'am, you're too good. Thank you, Anushree. Thank you. Congratulations, everyone. Ma'am, sir ko kya mil gaya? Maine suna nahi. Kuch nahi mila beta unko. Ma'am, there is lockdown in India. India, I think, yes, they may announce a lockdown, but I am not very sure. So, very good. I'm going to write Dania's name because she was giving active answers for participation in class. Theek hai? So, bahut sare bachcho ka sahi hai. Then, Shiva was there. Rishat was there. Apne apne naam batao, jo log class mein answer kar rahe the. Theek hai? Rishat and then Soumya from 8B. Hai na? Soumya was also there. शिवा वॉज देयर. ठीक है, नवजोत तो लेट आई. फिर है इशिका. यस इशिका, वेरी गुड. मान्या, हाउ कैन यू फॉरगेट मान्या. वेरी गुड मान्या. फिर उसके बाद कौन था? थैंक यू अनुश्री. नवजोत, यू केम अ लिटिल लेट, पर कोई बात नहीं. मैम, आई एम ऑन ए क्लास ऑन गूगल मीट ऑल्सो. आई नो, आई लॉग्ड अ वीडियो फ्रॉम 6 अकाउंट. थैंक यू हार्डी. थैंक यू आदित्य. मैम, गली गली में शोर है ये, पर मोड़ मोड़ पर लॉकडाउन है. ये तो है, लॉकडाउन तो यहाँ पे भी था. वीकेंड लॉकडाउन था, बाकी वी डोंट नो अगर परमानेंट लॉकडाउन लगेगा. अनाउंसमेंट हो जाएगी. लावण्या, यस लावण्या, वेरी गुड. यश, यस यश, दिस इज फॉर एक्टिव क्लास पार्टिसिपेशन एवरी वन. ठीक है, जो आंसर. नो नो वीर, तुम तो लेट आए थे क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा. नवजोत, रिटन योर नेम. हेलो हेतल, हाउ आर यू. यश, डन. अनुष्का, यस अनुष्का, अनुष्का, इशिका हो गया है. चलो यश, डन. प्रतीक्षा, यस प्रतीक्षा ऑल्सो. और कोई रह गया है क्या? मैम, मैं चाहती हूँ लॉकडाउन हो जाए तो होम टाउन नहीं जाना पड़ेगा. हाँ बेटा, ये तो है. अनन्या, यस अनन्या वॉज देयर. थैंक यू बेटा फॉर रिमाइंडिंग मी. कार्तिक वॉज देयर. बेटा जानकी, आप तो अभी आए हो. अनुष्का बेटा लिख दिया मैंने आपका नाम. अनन्या का लिख दिया, प्रतीक्षा का लिख दिया. यश, डन. चलो आई थिंक आई एम डन विद एवरी वन. वीर, यू केम लेट, बट आगे से टाइम पे आना. अब तुम लोग मुझे मिलोगे 3 PM पे. मनीष, आंसर तो दिए नहीं, बस यही बोला मेरा नाम ले लो. हाँ दृष्टि, यस दृष्टि, बट शी आंसर लेस. इट्स ओके, शी वॉज देयर फ्रॉम द स्टार्टिंग. बाय बाय एवरी वन. अनुश्री, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम, अदरवाइज आई विल नॉट राइट योर नेम. ओके, अरे मैं था यार. आर्यन कब था? ये लो लिख दिया, बिकॉज यू प्ले एवरी, यू कम रेगुलरली. प्लीज कॉल मी आफ्टर द क्लास. यू टेलिंग मी टू कॉल यू. आर्यन, रिटन योर नेम. रिशत, रिटन. मनीष, आंसर तो दिए नहीं. अनीशा बेटा, यू वर लेट. बाय शगुन, बाय आर्य, बाय लवण्या, बाय आशा, बाय प्रतीक्षा, बाय कनीस. अब पता नहीं कब आऊँ. कहीं आप आ सकते हो 3 PM पे हाय बोलने. ठीक है, चलो. सो आई विल एंड द क्लास नाउ. यू पीपल कैन सी मनन सर्स वीडियो. ठीक है, फजान का नाम नहीं लिखा मैंने. इसने भी बहुत आंसर्स दिए हैं. फजान, देन सुमेधा, यस हाउ कैन आई फॉरगेट. अनन्या, शिवा, यश, शिशिका. चलो बाकी सबका ठीक है. चलो, सो नाउ आई विल एंड द क्लास. जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. एंड 3 PM पे वी विल मीट अगेन वेरी सून, टुडे ओनली, एंड डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज फाइंडिंग आउट द वैल्यूज. ठीक है, चलो. बाय शगुन, बाय अनुष्का, बाय एवरीवन, बाय स्वाति. थैंक यू फॉर अ वंडरफुल क्लास. आई विल सी यू सून. ओके, बाय.